जैसे बालक की सलामती की जवाबदारी मम्मी के सिर पे होती है, वैसे ही साधु साध्वी की जवाबदारी ग्रस्त उनका शरीर कैसा होना चाहिए, उनके शरीर को कैसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो सब जवाबदारी ग्रस्त लोगों की होती है। आजकल साधु साध्वी को भी बहुत फरियाद होती है कि हमारा पेट बिगड़ा हुआ है, हमारा सर बिगड़ा हुआ है, और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन आपने इतना अच्छा समझाया हमको कि अभी हमको कभी भी हम इतने दिन से एसिडिटी की दवा ले रहे थे, लेकिन आपका जब आपने सेमिनार में इतना सरल और इजी भाषा में आपने इतना अच्छा समझाया, इससे हमको भी लगा आज हमारे सब साध्वी जी हमारे साथ एसिडिटी की दवा भी छोड़ दी। शरीर जब तक अच्छा नहीं रहेगा तब हम आराधना भी नहीं कर पाओगे, और मोक्ष की प्राप्ति करना है तो पहले नंबर शरीर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शरीर के साथ साथ ही जैसे जैसे आगे बढ़ना है तो मोक्ष की आराधना ही होगी। जैसे एग्जाम्पल 5 करोड़ का बंगला सामने है, BMW गाड़ी भी सामने है, 500 करोड़ के मालिक है, ये सब होने के बाद भी हमारे शरीर में कैंसर का रोग होगा तो हमको ये कैंसर का रोग भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये सब 500 करोड़ होने के बाद भी हमको 500 करोड़ ये सब सामने दिखेगा लेकिन ये सब चीजें अच्छी नहीं लगेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है शरीर का स्वास्थ्य, मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो शरीर अच्छा होगा तो ही हमको मिलेगा। आपने इतना अच्छा थीम बताया हमको कि हम जगह जगह पर जाकर आपका प्रचार करेंगे और सब साधु साध्वी को हम ऐसे कहेंगे कि आप एलोपैथिक हो कि आयुर्वेदिक दवा, लगभग साधु साध्वी एलोपैथिक पे जाते हैं और कोई बोलते आयुर्वेदिक पे जाएंगे, कोई बोलते होम्योपैथिक में जाएंगे, छोटा सा कुछ प्रॉब्लम आए तो डॉक्टर को बुलाते हैं। लेकिन हमने आज से निर्णय लिया है कि आपका जो सेमिनार सुनने के बाद हम इस सब थीम पे नहीं जाएंगे, एक भी डॉक्टर की सलाह नहीं लेंगे, आपके थीम के अनुसार चलेंगे, हमारे जीवन में सुधार होगा। बस ऐसे ही मनुष्य जन्म को सफल बना के हम सब साथ में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, हमारे भावना। आपको और कोई सुनाएगा नहीं सुनाएगा, आपके मोबाइल में पुराने गाने रोजिया सुना रहे हैं। तो जो भी पुराने गीत हैं, स्लो म्यूजिक है या ईश्वर की, यहाँ आप छोटे हैं उसे 3 फीट दूर मोबाइल को रख लीजिए गाने चला कर। ये जो इंसान का दिमाग है दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है, कभी शांत नहीं रहता। आप ऐसे सोएंगे तो कई तरह के विचार आपको आते रहेंगे, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। दोनों पाँव के पंजे मिला दीजिए और पाँव की उंगलियों को हिलाइए, हिलाइए आराम से। बस खूब गहरी सांस लेके छोड़िए, हर क्रिया के बाद में खूब गहरी सांस लेकर के छोड़ना है। एक जन को भी इधर भी आता यहां से दे दो, वो वीडियो मेरे लिए काम आ जाए। इधर से लीजिए ताकि वो लोग भी आ जाए सारे। हाँ यहाँ ले पीछे से ले। बेटा दोनों हाथ और दोनों पैर एकदम कड़क कर दीजिए, पंजे अंदर की तरफ ले लीजिए। अब दोनों हाथ और पैर 15 से 30 डिग्री ऊपर उठाना है, बिना किसी सहारे सिर नहीं उठाना है, पांव भी उठाए, दोनों पांव एक साथ नीचे से दोनों पांव एक साथ उठाइए, थोड़ा सा और हाथ भी थोड़ा से और, बस हाथ भी थोड़ा सा और उठाइए, बस
सिर नीचे रखिए और आराम से पांव नीचे कर दीजिए, खूब गहरी सांस लेके छोड़िए। अभी आप देखिएगा दोबारा जब करें ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको कहां कहां जोर आ रहा है, दबाव महसूस हो रहा है, पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आंखें बंद करके खूब गहरी सांस लीजिए और दोनों हाथ और पैर 15 से 30 डिग्री ऊपर उठाइए, नहीं दोनों पांव एक साथ नीचे से, यस, पांव पंजे अंदर लीजिए, टाइट एकदम, घुटने लूज नहीं होने चाहिए, करिए, हाथ भी थोड़ा उठाइए, हाँ हाँ बस, धीरे धीरे वापस आहिस्ता आहिस्ता नीचे, जोर आया काफी, कहाँ कहाँ जोर आया, पांव में कमर में आया, ठीक है। अब किसी का पेट आगे निकला हुआ हो, इनका तो पेट बिल्कुल नॉर्मल है, सपाट है, वेल मेंटेन है, लेकिन जिनका भी पेट आगे निकला हुआ हो उनको क्या करना है, इसमें ये तो करना ही है, पांच बार दूसरा करना है, देखिए करिए, 15 से 30 डिग्री पांव और हाथ ऊपर उठाइए, घुटने लूज नहीं होने चाहिए, पांव भी लूज नहीं होने चाहिए, करिए और सिर भी उठाइए और हाँ धीरे आराम से आराम, पेट में जोर आ रहा है, सब जगह जोर आ रहा है, आए आराम से खूब गहरी सांस लेके छोड़िए। अगली एक्सरसाइज करें, रुक जाइए अब, नहीं तो बहुत ज्यादा थक जाएंगे, तो घर पे जाकर के खाना, आप तो घर वालों को कहेंगे सब मिलकर के मेरे को अपने हाथ से खाना खिलाओ, घुटने ऊपर उठा दे, घुटने शामिल करके पाओ, शामिल करिए घुटने, और दोनों हाथ से दोनों पैर यहाँ से पकड़ करके पेट पे लाइए, सिर नीचे दोनों पाओ को पेट पे लाइए, हाँ दबाइए, अब सिर लगाइए, यस गुड वेरी गुड, आराम से पांव को वापस नीचे कर दीजिए और अपनी पोजीशन में आ जाइए, थोड़ा और नीचे कर दीजिए पांव पूरा, गहरी सांस लेके छोड़िए, आंखें बंद कर, वापस से करिए, अब दूसरों को बुलाओ, कह देंगे सिर को बाद में उठाना, यस ठीक है। चलिए जिनके टोन निकली हुई होगी वो ऐसे एकदम नहीं कर पाएंगे, कोशिश भी नहीं करना, धीरे 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 सेट होगा, ले लीजिए गहरी सांस, दोबारा से घुटने ऊपर उठाइए, बस इतना ही रखिए, गहरी सांस लेके छोड़िए, दोनों हाथ साइड में खोल दीजिए, वेरी गुड, कंधे के लेवल पर, नहीं नीचे करिए हाँ ये लेवल, थोड़ा हाथ को नीचे करिए, बस ठीक है। अब मरोड़ा खाना है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, घुटने एक तरफ जाएंगे, चेहरा दूसरी तरफ, ठीक है, चेहरा है, और सीधे हो जाएंगे, बीच में ब्रेक दे दीजिए, आंखें बंद करके
करके इसको गहरी सांस लेके छोड़िए। अब दूसरी तरफ सीधे हो जाइए, खूब गहरी सांस लेके छोड़िए, पांच बार इधर पांच बार इधर शुरू में, टोटल 10-10 टाइम्स करनी है हर एक्सरसाइज। अब ये हाथ हाथ एकदम नीचे ले इस तरह से, क्योंकि यहाँ कंधे में जो नर्व्स हैं उनमें खिंचाव पैदा हो जाएगा, तो आप एक बार ही पीछे आप आराम से नीचे कर रहे, लेकिन जब 10-10 बार करेंगे तो उसमें तकलीफ आएगी। इसे हाथ नीचे करने के लिए क्या करना है कि कोहनी को फोल्ड करिए, हाँ कोहनी के यहाँ से फोल्ड करिए, दोनों हाथ कोहनी के यहाँ से फोल्ड करके आराम से, ठीक है। और अब कोहनी नीचे करिए और फिर हाथ नीचे करिए, ठीक है। अब उल्टे लेट जाइए, नीचे देखा इधर ही गिर जाना ऐसे, हाँ यस ऐसे 2 मिनट सोना, ठीक है। अब सीधे हो जाइए वापस और करवट लेकर के उठिए, सीधा नहीं उठना, करवट लेकर के कोहनी के बल उठना है। अब उठिए उठिए कोहनी का जोड़, ठीक है। अब वज्रासन में बैठिए, थोड़ा सा पीछे हल्का सा, ठीक है। दोनों हाथ छोड़िए और ये दोनों हाथ यहाँ रखिए, यहाँ आगे। अब अपनी लगाट यहाँ पर रखिए, सिर फोरे फोरे यहाँ पर रखिए, यस। ये एक्सरसाइज करते समय अपनी आंखों को बंद रखें, क्योंकि 5 मिनट इस अवस्था में रहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा का पूरा आपके चेहरे में और सिर में आएगा, तो ऐसा ना हो जब आंखें खुली रखें तो कहीं चक्कर आ जाए। आंखें बंद रखना है और उठते समय भी आंखें बंद रखना है। आंखों को कैसे खोलना है मैं अभी बताऊंगा, इस ठंड में उनको पसीना होने लग गया, इनके परिवार से कोई है, आप फोटो खींच लेते फिर इनके घर वालों को दिखाते कि देखिए अभी चेहरा लाल टमाटर हो जाएगा इनका, जो उनको पसंद आएगा असल में, ठीक है बेटा। सीधे हो जाओ, आपको महसूस हो रहा है ना सिर और आंखों में भारीपन आ रहा है ना, आंखें नहीं खोल रहे, आंखें बंद रखो। अब दोनों हाथ को मसलो, यस, दोनों हाथों को मसल करके और आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल का स्थान है वहां पर हल्के से मसाज करिए, बिल्कुल हल्के हाथ अच्छे से रगड़ करके आंखों को और बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज करना, ठीक है। इसी तरह से बस हो गया ये एक्सरसाइज सामान्य रूप से, और इसके अलावा कोहनी से जीरो बनाना, उल्टा बनाना, ये सारी की सारी फिजिकल एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हैं पेट खाली हो या बनाओ, लेकिन ये एक्सरसाइज खाली पेट ही करना है। जिन्होंने जिन्होंने भी वीडियो बनाए हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। अब होंगे स्वस्थ हम, अब होंगे निरोग हम, अब होंगे निरोग हम एक दिन। ओहो मन में है विश्वास,
पूरा है विश्वास अब होंगे निरोग हम एक दिन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा मेहता है, मैं बैंगलोर से हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरी खुद की डांस इंस्टीट्यूट है। आज मैंने डॉक्टर मदन मोदी जी का सेमिनार अटेंड किया बैंगलोर में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कैसे हम घर के मसाले, घर की सामग्री के साथ ही सेल्फ हील कर सकते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि जिसको भी ये अपॉर्चुनिटी मिले सब उनका सेमिनार ज़रूर अटेंड करें। उन्होंने एक तेल बनाया है जो मैंने एक महीने से यूज़ कर रही हूँ और स्किन और हेल्थ, हेयर के लिए दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया है, और आप भी अगर हो सके तो ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा कि कितना बेटर है। थैंक यू सो मच।